अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 281 की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पैराबोलिक आर्च हैज अ 100 मीटर बेस एंड हाइट 25 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ आर्च एट अ पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बेस। कितना हमारे पास पैराबोलिक आर्च है बेस पे 100 मीटर, जबकि इसकी हाइट है 25 मीटर। आपने फाइंड करनी है हाइट ऑफ आर्च एट 30 मीटर, ठीक है बच्चों, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस। बेस है हमारे पास 100 मीटर और हाइट है 25। आपने बच्चों इसको 25 से नहीं, आपने से 30 मीटर पे फाइंड करना है, ये बात पूछो, ठीक है। इसको सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी हमारे पास। फिगर को जिस तरह ड्रॉ होगी, कैपिटल एक्स एक्स बार, इसी तरह वाई और वाई बार। बच्चों यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, जबकि फोकस पॉइंट के पॉइंट्स होंगे 0.1, ठीक है। हाइट कितनी थी बच्चों? हाइट थी 25। ज़्यादा बात है, यहाँ पर कितनी होगी? 25 होगी। वर्टेक्स की बात करें तो वो क्या होगा? 0, 0, ठीक है। और बेस हमने कितनी कंसीडर की थी बच्चों? हमने कंसीडर की थी क्वेश्चन में 100। आपने इसको फाइंड करना है 30 पे, ऐसे। तो चलिए आप बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। हमारे पास आएगा सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला इज, ये होगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि हमने पॉइंट पी देखा था, उसपे लाइन कर रहा था। सिंस पॉइंट पी लाई ऑन इट, क्योंकि पॉइंट पी उस पर लाई कर रहा था, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज को इसी फील्ड में पुट कर देते हैं। बेस की वैल्यू थी हमारे पास कितनी बच्चों? 100, ठीक है। उसको ब्रेक में पुट करते हैं तो आएगा 50 का स्क्वायर, इसी तरह 4a एज इट इज रहेगा। और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी? y की वैल्यू थी 25, ठीक है। x का हमारे पास क्या था? 100, और y था हमारे पास 25। इसको हमने ब्रेक करके लिखा, क्योंकि स्केयर लिखना था तो हमने 50 का स्केयर ले लिया, तो वो वापस 100 ही बनेगा, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100a इज इक्वल टू 2500। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों? इस a की और जो नया एक्स, यानी कि हमने पहले 25 में ली थी, हमने फाइंड किस पे करी थी? 30 पे। तो हम क्या करेंगे? हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे वही नंबर वन पे। आएगा पुट एक्स इज इक्वल टू 30 एंड ए इज इक्वल टू 25 इन वन। जब इसमें वन पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 25 पाई। बेसिकली हमने इस y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। पहले 100 पे था और हाइट 25 थी, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। फिर क्या कहा गया? आपने y फाइंड करना है जब हमारे पास 30 हो जाए, तो
तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन पैटर्न्स को पुट करके आंसर निकाल रहे हैं। 30 स्केल लेंगे, आएगा 900, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100y। तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 900। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे वो हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 बच्चों। 6.5 आपके स्मार्ट स्किल्स में शामिल है। तो हम अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो होगी एक्सरसाइज 6.6। इसमें से जो क्वेश्चन आप निकलते हैं मैं उनको ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर देती हूँ। 6.6 है पेज नंबर 298 पे। इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 3, 7, 8 and 10। क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5। एक्सरसाइज 6.6 में से सिर्फ हमने ये वाले क्वेश्चन करते हैं, इसके अलावा हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं करा। अब बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है हाइपरबोला से। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपरबोला का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाइपरबोला हमारे पास है क्या। इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 291 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरबोला। लिखा हुआ कि जब हम हाइपरबोला के बच्चों बात करते हैं तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगर ये ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरबोला। ठीक है, जिसमें एसेंट्रिसिटी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है। जब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो बात का आगाज ही यहां से होगा कि जहां भी हम कहेंगे लेट एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 और एफ हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है और एल हमारे पास लाइन है। ठीक है, नॉट कंटेनिंग एफ कि जिसमें एफ नहीं आ। पी पॉइंट ले रहे हैं एक्स वाई, ये प्लेन पे लाई करते हैं और पी एफ हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ पी फ्रॉम एल। ठीक है, अब ये जो मोटी मोटी बातें थी मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको हम मिला के हाइपरबोला की डेफिनेशन में पाते हैं कि हाइपरबोला हमारे पास क्या है। जहां भी एसेंट्रिसिटी हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, एफ हमने एक फिक्स पॉइंट लिए और एल हमारे पास लाइन है जिसमें एफ नहीं आ। पी एक्स वाई प्लेन में कोई एक पॉइंट है जो लाई करता है, जबकि पी एम हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी का एल एल से। इसको हम थ्रू फिगर समझते हैं। फिगर कुछ बच्चों इस तरह ड्रॉ होगी, एक्स ठीक है और ये हमारे पास वाई। एफ हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करें सी कॉमा जीरो से। पी हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है जो प्लेन पे लाइटर है, इसका फोकस तक का डिस्टेंस और पी का एम तक का डिस्टेंस। यहां पे हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय e का स्क्वायर। जब ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 0 और 0 और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं g का। बच्चों ये चीज ऊपर पे ड्रॉ की गई है। ठीक है, अब हाइपरबोला हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, f हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम c कॉमा 0 से
ठीक है, जिससे F नहीं आ रहा, ठीक है, नॉट कंटेनिंग F, जबकि P हमारे पास एक पॉइंट है जो कि इस प्लेन में लाई करता है, और PM हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P का फ्रॉम L, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन ये लाइन ड्रॉ की गई है, इसके लिए लाइन क्या करेंगे, 90 का एंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स वाई होते हैं, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी एंड इज ग्रेटर देन वन। जैसे हम पैराबोला में हम एसेंट्रिसिटी क्या लेते हैं, वन, तो इसी तरह हाइपरबोला में हमारे पास एसेंट्रिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन वन, इसे कहते हैं बच्चों हम हाइपरबोला, जिसमें एफ हमारे पास क्या है, फोकस, और एल हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। इसके बाद बच्चों हमने एक टेबल नंबर डिपेंडेंसी जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो टेबल गिवन है पेज नंबर 294 पे और 295 पे, समरी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोलास, जिसमें हमारे पास इंग्रेडिएंट्स गिवन है, ठीक है, तो ये जब हमारे पास होगी x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मुझे याद रखने की जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक इक्वेशन, ये पहले x है तो बच्चों y से भी स्टार्ट हो सकती है, या अगर y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के लिहाज से बात करें तो फोकस हमारे पास क्या होगा, फोकस होगा प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। अब देखिए x के लिहाज से है तो x की जगह सी है, अब y के लिहाज से तो फोकस होगा जीरो कॉमा प्लस माइनस सी, अब ये y की जगह पे आ गया। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो हमारे पास होगा, बुक पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर पी का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वाई की बात करें तो आएगा हमारे पास प्लस माइनस सी ओवर ई का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों ट्रांसवर्स की बात करते हैं तो जब बच्चों हम एक्स के लिहाज से बात करें तो वाई क्या होगा, जीरो, जब हम वाई के लिहाज से बात करें तो एक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह यहाँ पे वर्टिसेस की बात करें तो जिस तरह हमने यहाँ सी लिखा है वर्टिसेस में हम प्लस माइनस ए कॉमा जीरो कर दें, इसी तरह यहाँ कर देंगे जीरो कॉमा प्लस माइनस ए। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के, और ये हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, और यहाँ पर भी एसेंट्रिसिटी सेम होगी। सेंटर की बच्चों बात करें तो सेंटर हमेशा जीरो जीरो ही होगा, जिसे हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया गया वो बुक पे है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों दो हमारे पास इक्वेशन जर्म के हाथ से इक्वेशन है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, ट्रांसवर्स है, वर्टिसेस है, इसके बाद सेंट्रिसिटी है, सेंटर है, ग्राफ है, इसके थ्रू हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, ठीक है। अब एक ग्राफ के थ्रू हम देख लेते हैं वर्टिसेस क्या है, सेंटर क्या है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं। ये बुक में गिवन है पेज नंबर 290 पे, इसको पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है बच्चों, ये हम क्या कर रहे हैं, इनको ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया, इसी तरह यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे हम और नाम देंगे। ये फिक्स पॉइंट है पी, ये है एम, इसी तरह ये फिक्स पॉइंट है पी और ये है एम डैश, ठीक है। इसी तरह ये है फोकस जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सी कॉमा जीरो, इसी तरह एम डैश की बात करें तो ये माइनस सी कॉमा जीरो, ये है ए डैश, ये है ए, ये है जी डैश और ये है Z, ठीक है।
ये सेंटर है, इसको हम नाम देंगे सी नाम। ठीक है, ये हमारी फिगर ड्रॉ हो गई। इसमें से मोटी मोटी बातें आपको बता दी कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये जो ए और ए डैश ड्रॉ किया गया है इसे हम कहते हैं वर्टिसेस, जबकि ए और ए डैश जो लाइन सेगमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टू वेज, इसे हम ट्रांसवर्स भी कहते हैं और फोकस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एफ हमारे पास दोनों क्या है फिक्स पॉइंट, टी हमारे पास कोई पॉइंट है प्लेन, जबकि एम क्या है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी वो मोटी मोटी चीज़ें जो आपको बतानी थी, बाकी मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।